कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, रख ले उसी में आशा तुझ दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए, रख ले उसी में आशा तुझ दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए, कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने कहा, तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का, मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार, कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की, तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है, कीमत पर हुआ है, हम पर दया कर, हम पर दया कर और हमें, और हमें हर बंधन से मुक्त कर, हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें पिता से मेल
घायल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तुझ दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तुझ दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में ले आइए। हमारे मन बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, कई बातों में फंसे हुए होते हैं। अपने मन को एकाग्र कीजिए। आप इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, आप प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आने जा रहे हैं। अपने आप को शांत कीजिए, मौन कीजिए, हृदय के हर प्रकार के कोलाहल को बंद कीजिए। आपके मन में जो जो विचार उठ रहे हैं, उन सारी बातों को समय प्रभु के समक्ष लाइए। अपने मन को एकाग्र कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए। एक सत्य पर विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको जानते हैं और आपको प्रेम करते हैं। इस विश्वास के साथ अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। हर प्रकार के दर्द और पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे जानता है, मेरे लिए क्या अच्छा है ये भी जानता है। मेरे जीवन की एक एक पीड़ा को, एक एक दर्द को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं।
मेरे शराबी पति को, पिता को, बेटे को, मेरी बदचलन बेटी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे शरीर के दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हर रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे परिवार की समस्या को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। परिवार में जो मेल भाव की कमी है उसको तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे परिवार की हर स्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तंगी को, आर्थिक समस्याओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे परिवार में जो शांति की कमी है उसको तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। अपने पड़ोसियों के साथ हमारा जो मेल भाव की कमी है उसको तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु, हर प्रकार के दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने मन हृदय को तैयार कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें इस समय सांत्वना देने जा रहे हैं, हमारे हर प्रकार की चोट को मिटाने जा रहे हैं। अपने पवित्र रक्त के अभिषेक के द्वारा हमारे हृदय की हर चोट को मिटाकर हमें शुद्ध करने, पवित्र करने और हमें चंगा करने जा रहे हैं। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए अपने आप को और इस समय प्रभु की उपस्थिति में आइए। सारी व्यस्तताओं को, काम काज को दूर रखिए, पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में आइए। इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए कोई काम नहीं करना, पूरी तरह से भाग लेना इसमें। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह का माध्यम बन जाए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, तू सत्य का आत्मा है, शांति का आत्मा है, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए। ये प्रेम की आत्मा सांत्वना दाता मेरे जीवन में आइए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए, मेरे दुख और दर्द को मिटाने के लिए आइए, मुझे ईश्वरीय सांत्वना से भरने के लिए आइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, अपने को एकाग्र कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए, हमें तेरे पवित्र वचनों को समझने के लिए कृपा दीजिए, जीवन के रहस्यों को समझने के लिए कृपा दीजिए, आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए कृपा दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। आइए पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु की कृपा आपके जीवन में कार्य कर रही है, प्रभु स्वयं आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। पक्का विश्वास करना, दृढ़ विश्वास करना। कई लोगों ने साक्ष्य दिया है कि उनके जीवन में कैसे इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा कई प्रकार की चंगाइयां आई हैं, कई प्रकार के वरदान आए हैं। विश्वास करना, आप भी प्रार्थना करना, आज की प्रार्थना आपके लिए अनुग्रह और आशीष का द्वार खोल दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम बच्चों की तरह डीठ होते हैं। हालांकि प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों की तरह हमें बनना है, लेकिन सहजता और सरलता में, लेकिन कभी कभी हम लोग बच्चों की तरह डीठ होते हैं, जिद करने लगते हैं। जब हमारे जीवन में सुख आ जाता है, विभिन्न प्रकार की अच्छाइयां आ जाती हैं, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख और पीड़ाएं आ जाती है, विपत्तियां आ जाती है, विफलताएं आ जाती है, तो हम लोग बच्चों की तरह डीठ होते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, ईश्वर से रूठ जाते हैं, अपने से रूठ जाते हैं, लोगों से रूठ जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक बहन से बात कर रहा था फोन में। एक महीना पहले उस बहन के जीवन में कई लोगों के द्वारा बहुत सारी चोटें आई और वो बहुत ज्यादा दुखी थी और बोलती जा रही थी, रोती जा रही थी। करीब 15-20 मिनट तक मैं फोन रखा नहीं, उसकी आवाज को, उसकी बोली को सुनता रहा। वो रो भी रही थी। कितना बड़ा नुकसान है, एक महीना पहले उसको दुख मिला, आज भी उस दुख में वो रह रही है। कितना बड़ा नुकसान है,
कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा उसमें उत्पन्न हुई हो रही है। कितनी सारी कृपाएं जो प्रभु ने उसको दी है वो गंवा रही है। कितने समय बर्बाद हो रहा है, कितने अपने मन को दुखी बना रही है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। मैं बड़े दुर्लभ ही लोगों को देखता हूं जो जीवन में दुख आने पर भी आनंदित रहते हैं, लेकिन मैंने जरूर देखा कई ऐसे लोगों को जिनके जीवन में बहुत दुख है लेकिन आनंदित है। एक बहन को मैं जानता हूं, कई काफी दूर से वो फोन करती है। उसके शरीर पर 5 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं, अब एक छठा ऑपरेशन होना है, लेकिन डॉक्टर लोगों ने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब भी वो बहन मुझसे बात करती है, बहुत मुस्कुराती हुई हंसती हुई बात करती है, चाहे वो टेलीफोन के द्वारा हो या आमने सामने हो। ऐसे बहुत विरल लोग होते हैं। अधिकतर लोग दुख आने पर सचमुच दुखी हो जाते हैं, उदास होते हैं, रूठ जाते हैं। हमें अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, आप जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, विपत्ति पर विपत्ति, यहां तक कि उसके सारे बच्चे दबकर मर गए। उसने कहा, उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम ईश्वर के हाथों से सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्या दुख को ग्रहण नहीं कर सकते। हम ईश्वर के हाथों से सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्या दुख ग्रहण नहीं कर सकते। मैं सोचता हूं कि हम में से हर एक को अपने आप को संबोधित करते हुए बार बार ये बोलने की आवश्यकता है, अनिल जो भी आपका नाम होगा लेकर, तुम प्रभु के हाथ से सुख ग्रहण कर सकते हो तो क्या दुख ग्रहण नहीं कर सकते। कई साल पहले की बात है, 75 साल की एक बहन मेरे सामने रो रही थी क्योंकि उसकी एक आंख खराब हो गई। मैंने कहा, बहन आप क्यों रो रही है, 74 साल तक 74 years आप दोनों आंखों से देख पाई, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं, जिन्होंने कभी इस संसार की ज्योति को देखा नहीं है। हमें याद करना चाहिए पुराने व्यस्थान के यूसुफ को, याकूब का पुत्र यूसुफ। 17 साल की उम्र में उसके ही भाइयों के द्वारा वो बेचा जाता है एक गुलाम की तरह। एक गुलाम की तरह बेचा जाता है और वो परदेश ले जाया जाता है गुलाम के रूप में। उसको किसी के यहां काम करना पड़ता है। सोचिए, याकूब का बेटा, याकूब इतने धनी और बहुत बड़े इंसान, उसका बेटा अब परदेश में एक गुलाम की तरह काम करने लगता है। आप बाइबल में आप पढ़ते हैं कि वह जेल में बंदी गृह में डाला जाता है, पड़ा रहता है। अलग अलग प्रकार का दुख झेलना पड़ता है, लेकिन कभी यूसुफ ने इसको नकारात्मक ढंग से नहीं लिया, उसने सकारात्मक ढंग से लिया, इसलिए कि वो ईश्वर पर भक्ति रखने वाला था, विश्वास करने वाला था और ईश्वर का सानिध्य उसमें बना हुआ था, इसलिए उसने इस संपूर्ण घटना को सकारात्मक ढंग से लिया। उसने सवाल नहीं किया, इसलिए आप जानते हैं यूसुफ अंत में मिस्र का गवर्नर बन जाता है। अंत में मिस्र का गवर्नर बन जाता है। उसके जीवन में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, आज वो सौभाग्यपूर्ण घटना बन जाती है और वो मिस्र का गवर्नर बन जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें जीवन में दुख आने पर प्रभु से सवाल नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों। अक्सर लोग पूछा करते हैं, प्रभु बोल मैंने कौन सा अपराध किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमें स्वीकार करना है। प्रवक्ता ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन है, उसके अध्याय 39 वाक्य 21 में वहां लिखा हुआ है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। ये मत पूछो ये क्या है, इससे क्या लाभ है।
वचन कहता है प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। ये मत पूछो ये क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जब मैं गिर गया बिना किसी कारण के, मेरे मन में सवाल नहीं उठा, मैं वास्तव में स्वीकार कर रहा था। क्योंकि उससे पहले शुक्रवार को, ये बुधवार को घटित हुई घटना, शुक्रवार को मैंने खुलेआम लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने ये कहा था कि आपके जीवन में दुख आएगा तो कहना मंजूर है प्रभु, मंजूर है। और मैं अंदर ही अंदर, हालांकि मैं पीड़ा में था, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए बोल रहा था प्रभु मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हमें प्रभु से सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए प्रभु इसके द्वारा तू कहना क्या चाहता है। एक सच्चाई है कि एक विश्वासी के जीवन में बिना प्रभु के जाने कोई भी घटना नहीं घटित होती है। एक विश्वासी के जीवन में, एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन में बिना प्रभु के जाने कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रभु से सवाल करना है कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हमें दुख में भी प्रभु का हाथ देखने की आवश्यकता है। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो दुख में भी ईश्वर का हाथ देखने में सक्षम होता, समर्थ होता है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में, उसका अंग्रेजी अनुवाद बेहतर है, एवरीथिंग वर्क्स अन टू गुड फॉर दोज हु लव गॉड। यानी जो परमेश्वर से, ईश्वर से प्यार करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। जो ईश्वर से प्यार करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। हमें अक्सर हमारे बीते जीवन की यादें खाती जाती हैं, परेशान करती रहती हैं, बीते जीवन के पाप, बीते जीवन में हमने जो खोया है, चाहे वो पैसा हो, लोग हो, अपने प्रिय जन हो, बीते जीवन में हमने जो विफलता का अनुभव किया है, बीते जीवन में जो दुखों का अनुभव किया है, घावों का अनुभव किया है, बीते जीवन में जो दुखों का अनुभव किया, घावों का अनुभव किया है, ये सारी बातें हमें खाती रहती हैं। हम सीधे वचन से सुनेंगे, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14, पौलुस क्या कहते हैं, भाइयों मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। आगे वो क्या कहते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं अपने बीते जीवन के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं अपने बीते जीवन को भुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर बड़े उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। हमारे जीवन में जो दुख हुए हैं, जो पीड़ाएं हुई हैं, हमने जो खोया है, विफलताएं हुई, उसके बारे में सोच सोच कर जिंदगी बर्बाद करना नहीं, बल्कि जैसा कि पौलुस कहते हैं हमें अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि लगाकर, आगे की ओर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से जाने की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत है। हमारे अतीत को कभी भी हमें पकड़े रहने नहीं देना चाहिए। मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो मेरे लिए घातक थी, मेरे लिए दुखदायक थी, लेकिन उन सारी बातों को मैं याद ही नहीं करता हूं। मैं अपनी दृष्टि को आगे की ओर लगाने का प्रयास करता हूं। मां मरियम को देखिए, मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा था कि जो आपसे उत्पन्न होगा उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा, लेकिन मरियम के सामने ही उसके बेटे का अंत हो रहा था, बहुत बुरी तरह से सताया जा रहा था, क्रूस पर जड़ा जा रहा था, क्रूस पर लटक कर मर रहा था। मरियम ने उन सारी बातों में भलाई देखी, मरियम ने उन सारी बातों में भलाई देखी, उसकी आंखें विश्वासपूर्ण आंखें थी, इसलिए उन सब में भलाई देखी। क्यों? क्योंकि मरियम जानती थी कि मेरा ईश्वर मुझे धोखा नहीं दे सकता है, मेरा ईश्वर मुझे धोखा नहीं दे सकता है।
क्योंकि मेरा ईश्वर भला है, प्रेम है। क्योंकि मरियम जानती थी कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। दुनिया के लोग गलती कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी गलती कर सकते हैं, हमारे अधिकारी गलती कर सकते हैं, लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो हमारे जीवन में कोई घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे लिए बहुत दुखदाई हैं और ईश्वर उसको जानता है, तो उसको कोई कारण है। प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने दी है। अगर ऐसी घटनाएं होने दी है तो जरूर उसका कोई कारण है। यही हमें ढूंढना है, जरूर कोई कारण है, कोई मकसद है। बिना उद्देश्य का ईश्वर कुछ भी नहीं होने देता है। मेरे गिरने से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ पाया है, हजारों लोगों ने बहुत कुछ पाया है, खोया बहुत कम, पाया ज्यादा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने वचन में सुना प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 39 से कि समय आने पर रहस्य प्रकट हो जाएगा। एक विश्वासी को प्रतीक्षा करनी है कि मेरे जीवन में इस घटित घटना का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है। आज भी मैं इस सत्य को समझ नहीं पाता हूं कि जब मैं एक तरफ गिरा, किसी ने मुझे मारा नहीं, गिरा आराम से गिरा, तो मेरे हाथ को टूटना चाहिए था, सिर को टूटना चाहिए था, अन्य हड्डियों को टूटना चाहिए था, जांघ की हड्डी कैसे टूटी, यह मेरे लिए रहस्य है। और भी बहुत सारी बातें रहस्यपूर्ण है, प्रकट हो जाएगा। प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु कभी गलती नहीं कर सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं। इसलिए एक विश्वासी को जीवन में दुख आने पर, पीड़ाएं आने पर उसको दुर्भाग्यपूर्ण ना समझकर यूसुफ की तरह विश्वास की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है और उसमें छिपे हुए ईश्वर के संदेश को ग्रहण करने की आवश्यकता है। ईश्वर विभिन्न घटनाओं के द्वारा हमसे बोलता है। ईश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, उन 10 विपत्तियों के द्वारा ईश्वर फराउन को संबोधित कर रहा था। हमारे जीवन में भी कई घटनाएं घटित होती हैं, कुछ घटनाएं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण सी लगती हैं, लेकिन उन घटनाओं के द्वारा ईश्वर हमसे बोल रहा है। हमें उस संदेश को ग्रहण करना है, उसके लिए नम्रता की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। नम्र होकर एक सच्चे भक्त की तरह समर्पण के साथ प्रभु के सामने आना है, पूछना है, प्रभु क्या है तेरा संदेश, तू क्या बताना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र वचनों के लिए। आज इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने लिए और अपने मेरे भाई बहनों के लिए। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, दुखपूर्ण बातें आती हैं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं, विपत्तियां आती हैं, विफलताएं आती हैं। उन सारे क्षणों में यह विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए कि तू गलती नहीं कर सकता है। उन सारे समय में हमें विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता है, तू सत्य प्रतिज्ञ है। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू हमें प्यार करता है और तू जानबूझकर हमें बुराई नहीं दे सकता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। तू भलाई का स्रोत है, विश्वास करने की कृपा दीजिए। तू कभी जानबूझकर हमें बुराई दे नहीं सकता है, क्योंकि सच्चा भलाई का स्रोत है तू। ए प्रेमी पिता, यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी प्रज्ञा दीजिए, ताकि अपने जीवन में सदा आनंदित रहें, दुख में सुख में हर परिस्थिति में आनंदित रहें, तेरे साथ जुड़े रहें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर, आमीन।
महिमा करे, उनकी स्तुति करे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें पूरे भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है, मुझे दर्शन दो प्रभु।
पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच में निवास करने वाले प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले उस महान शक्तिशाली और करुणामय और सामर्थ्यवान परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए वहां पर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के इस पवित्र वचन पर पूर्ण विश्वास करते हुए आप जहां कहीं भी बैठे वहां पर प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। अपने हृदय को खोलिए, अपने मन को खोलिए, दृढ़ विश्वास में प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाइए। प्रभु ने आपको यह मौका दिया है कि आप इस कार्यक्रम में भाग लें, इस प्रार्थना में भाग लें। प्रभु ने नाम लेकर आपको बुलाया है, पुकारा है, अपने सानिध्य में बैठाया है। यह प्रभु की कृपा का समय, अनुग्रह और आशीषों का समय है। यह विश्वास कीजिए कि आज की आराधना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं, छूने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु के इस पवित्र वचन पर इस समय विश्वास करते हुए यीशु के करीब आइए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। पूरी तरह से प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए और प्रभु से बातचीत कीजिए। जिस तरह आप एक मनुष्य से बात करते हैं उसी तरह यीशु से बात कीजिए। बोलिए, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या तकलीफें लेकर आप इस समय प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए हैं। हृदय खोलकर प्रभु से समय बात करना, वो आपको प्यार करते हैं, उसने आपको बुलाया है। यीशु आपके करीब हैं। यीशु की करीबी महसूस करते हुए यीशु से बात करते जाइए। वो प्रभु आपको कितना प्यार करते हैं, उन्होंने अपने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है, अपने एक एक बूंद रक्त को आपके लिए बहाया है। आप कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी बड़ी भूल क्यों ना हुई हो, प्रभु उन सारी बातों का ख्याल नहीं करता है। प्रभु आपको प्यार करते हैं बस, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने अपने प्रतिरूप बनाया है। आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं। प्रभु में लीन हो जाइए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, इस पवित्र समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, यीशु के वरदान के लिए, यीशु के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे दुखभोग के लिए, तेरे दुखभोग के लिए, तेरे मृत्यु के लिए, तेरे मृत्यु के लिए, तेरे पुनरुत्थान के लिए, तेरे पुनरुत्थान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी संगति के लिए, तेरी संगति के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तू इस समय मेरे करीब है, तू इस समय मेरे करीब है, मेरे पास है, मेरे पास है। मेरी आत्मा को, मेरी आत्मा को प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए जगा रहा है, जगा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने रखिए। क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ी देर मौन हो जाइए। एक एक बात को यीशु के सामने रखना, एक एक बात को यीशु के सामने रखना, इस विश्वास के साथ कि प्रभु इस समय आपके करीब है, आपके साथ है।
एक एक बात को प्रभु के सामने रखते जाइए। क्या क्या पीड़ाएं लेकर इस प्रार्थना में आई हैं, क्या क्या पीड़ाएं लेकर इस प्रार्थना में आए हैं, यीशु के सामने रखिए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। मेरे पीछे दौड़ाते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता, हे मेरे मुक्तिदाता, हे मेरे मुक्तिदाता, मैं अपने जीवन के सारे पापों को, पाप के बोझ को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरे बीते जीवन की सारी दुखद घटनाओं को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरे दिल के सभी घावों को, सभी घावों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरे बीते जीवन की सारी विफलताओं को, सारी विपत्तियों को, दुखपूर्ण अनुभवों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे धोखा नहीं दे सकता है, मैं जानता हूँ गलती नहीं कर सकता है, गलती नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के सारी पीड़ाओं को, दर्द को, रोगों को, दुर्बलताओं को, बुरी आदतों को मेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज की आराधना में तू मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहा है, मुझे शुद्ध कर रहा है, मुझे पवित्र कर रहा है, मेरे बंधनों को खोल रहा है, मुझे आजाद कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, बागबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती जा रही है, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा अपने उद्धारक ईश्वर के कारण, आनंद मनाऊंगा तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर मेरा बल है, वो मेरे पैरों को हिरने की गति देता, और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है, और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। होने दे यीशु, होने दे यीशु, होने दे यीशु, चमत्कार और चिन्ह, चमत्कार और चिन्ह, होने दे यीशु, होने दे यीशु, चमत्कार और चिन्ह, चमत्कार और चिन्ह। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना बंधनों से आजादी की प्रार्थना है, रोगों से मुक्ति की प्रार्थना है। पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी
पवित्र रक्त के अभिषेक के द्वारा चंगाई और बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना चलाओ। और इसलिए विश्वास के साथ इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप में से कोई अलग अलग प्रकार की बुराई के बंधन में है, बुरी आदतों में है, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए इस समय। क्या आपके परिवार में कोई है, उनको समर्पित कीजिए और ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपके समय आजाद कर रहे हैं। यीशु जीवित है, आपके करीब है। क्या आप रोगी हैं, पुराना रोग, गंभीर रोग, कैंसर का रोग, दिल का रोग, किडनी का रोग, अलग अलग प्रकार का रोग, गंभीर रोग, विश्वास कीजिए कि इस समय प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। दृढ़ भरोसा रखना, विश्वास करना। आई टेल यू द लॉर्ड इज गोइंग टू डू समथिंग फॉर यू राइट नाउ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। समर्पित कीजिए, विश्वास के साथ समर्पित कीजिए। हर रोगों को समर्पित कीजिए, हर पीड़ा को समर्पित कीजिए। क्या आपके परिवार में बहुत ज्यादा तंगी है, समर्पित कीजिए इस समय विश्वास के साथ। प्रभु को आपके जीवन में चमत्कार करने दीजिए। क्या आप नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, समर्पित कीजिए। क्या पढ़ने में कमजोर हैं, समर्पित कीजिए। पूरे विश्वास के साथ आंखें बंद करके समय प्रभु का सानिध्य महसूस करते हुए, स्वीकार करते हुए, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई प्राप्त कीजिए, बंधनों से आजादी प्राप्त कीजिए। हालेलुया, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 हालेलुया, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 बंधनों से आजादी, बुरी आदतों से आजादी, हालेलुया, 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 प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, हालेलुया, 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 माइटी, माइटी हील, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद ये प्रभु तेरी आशीषों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि समय तूने हम में से कईयों को छुआ है, आशीर्वाद दिया है, चंगाई दी है, कठिन बंधनों से आजाद किया है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं मार्कुस 11:24 के अनुसार। विश्वास करता हूं यीशु, विश्वास करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम इस समय बड़े विश्वास के साथ अभिषेक की प्रार्थना करेंगे, अभिषेक के लिए प्रार्थना गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। सभी लोग मिलकर मेरे पीछे गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। इसको अपनी प्रार्थना बनाइए, हृदय खोल कर, मुंह खोल कर दोहराते जाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक।
अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से, जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मौन हो जाइए, मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु आपको अभिषेक दे रहे हैं, आपको शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं, आपके घर परिवार को पवित्र कर रहे हैं। ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। द लॉर्ड इज अनॉइंटिंग यू, क्लेंसिंग यू, हीलिंग यू। रिसीव, रिसीव इट फ्रॉम द लॉर्ड। स्वीकार करते जाइए।
बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। हमारे पापों के दाग सारे